अजोपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम वाम्यात्म माया मया जन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता है। दोस्तों, मैं गिरिराज सिंह दशा दशा चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम ऐसे ही धार्मिक कंटेंट से भरे वीडियोस लाते रहते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हर दिन मिलते रहें। इन पदों से भगवान यह बताते हैं कि साधारण मनुष्यों की तरह ना तो मेरा जन्म है और ना मेरा मरण ही है। मनुष्य तो जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, परंतु मैं परमेश्वर अजन्मा होते हुए भी प्रकट हो जाता हूँ और अविनाशी होते हुए भी अंतर्ध्यान हो जाता हूँ। प्रकट होना और अंतर्ध्यान होना दोनों ही मेरी अलौकिक लीलाएं हैं। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट अर्थात अव्यक्त थे और मरने के बाद भी अप्रकट अव्यक्त हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही प्रकट अर्थात व्यक्त हैं, जैसा कि गीता के दूसरे चैप्टर के 28वें श्लोक में कहा गया है। परंतु भगवान सूर्य की तरह सदा ही प्रकट रहते हैं। तात्पर्य यह है कि जैसे सूर्य उदय होने से पहले भी ज्यों का त्यों रहता है और अस्त होने के बाद भी ज्यों का त्यों रहता है, अर्थात सूर्य तो सदा ही रहता है परंतु स्थान विशेष के लोगों की दृष्टि में उसका उदय और अस्त होना दिखता है। ऐसे में भगवान का प्रकट होना और अंतर्ध्यान होना लोगों की दृष्टि में है, परंतु वास्तव में भगवान सदा ही प्रकट रहते हैं। सनातन धर्म में ऋतुकाल का बहुत ही शोधन किया गया है, जिसका मतलब है किस समय उचित प्रकार से उत्तम पुत्र या पुत्री के लिए गर्भधारण के संस्कारों का विचार, क्योंकि उनके अनुरूप ग्रह नक्षत्र की गति को मिलाना अत्यंत दुर्लभ है। उस काल में भी पैदा होने वाले बच्चे जरूरी नहीं है कि उनका भगवान के समान भाग्य हो। दूसरे प्राणी जैसे कर्मों के परतंत्र होकर जन्म लेते हैं, भगवान का जन्म वैसे नहीं होता है। कर्मों की परतंत्रता से जन्म होने पर दो बातें होती हैं, आयु और सुख दुख का भोग। भगवान में ये दोनों ही नहीं होते हैं। दूसरे लोग जन्मते हैं तो शरीर पहले बालक का होता है, फिर बड़ा होकर युवा बन जाता है और फिर वृद्ध हो जाता है और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, परंतु भगवान में ये परिवर्तन नहीं होते हैं। वे अवतार लेकर बाल लीला करते हैं और किशोर अवस्था अर्थात 15 वर्ष की अवस्था तक बढ़ने की लीला करते हैं। किशोर अवस्था तक पहुंचने के बाद फिर वे नित्य किशोर ही रहते हैं, जैसे कि श्री कृष्ण स्वरूप में बने रहे। सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी भगवान वैसे ही सुंदर स्वरूप रहते हैं, इसलिए भगवान के जितने चित्र बनाए जाते हैं उनमें उनकी दाढ़ी मूछें नहीं होती। अब कोई बना दे तो अलग बात है। इस प्रकार दूसरे प्राणियों की तरह ना तो भगवान का ही जन्म होता है, ना कोई परिवर्तन होता और ना मृत्यु ही होती है, अर्थात वे अजन्मा और अविनाशी हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिखिए और बताएं। आप लोग हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल्स पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। हम ऐसे ही धार्मिक कंटेंट से भरे वीडियोस लाते रहते हैं। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्वास्ति।